नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर लाइफ। आइए देखते हैं क्या है न्यूज फॉर लाइफ पर आज की खास खबर। इस वक्त की बड़ी खबर सिवान से है, जहां नाराज व्यवसायियों ने जमकर बवाल काटा है। मैरवा नगर के सभी दुकानें बंद कर सड़क पर व्यवसायी आगजनी कर रहे हैं, जिससे यातायात बाधित हो गया है। व्यवसायियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर मझौली चौक पर आगजनी कर अपना विरोध जताया। गौरतलब हो कि कल शाम में हार्डवेयर व्यवसायी नागेंद्र जसवाल को अपराधियों ने दुकान में घुसकर लगातार 3 गोली मारी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनका इलाज सिवान सदर अस्पताल में चल रहा है। आज उसके विरोध में सभी व्यवसायी अपनी अपनी दुकानें बंद कर सड़क पर आ गए हैं और व्यवसायियों ने अपनी सुरक्षा और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं। मायरवा बंद कर आज व्यवसायियों के द्वारा पूरी मायरवा बंद है। बंद करने के कारण यह है कि मायरवा के प्रशासन निष्क्रिय है। मायरवा के व्यवसायियों के ऊपर अपराधी जो है अपना जो है अपराध बढ़ा रहा है। इस अपराध के एक नमूना कल जो है देखा गया। कल 7 बजे रात दुकान बंद करके व्यवसायी चले तो अपराधियों द्वारा रंगदारी के लेकर के उन पर 3 गोलियां चलाई गई। 3 गोली में जो है 2 गोली मिस कर गया और 1 गोली उनके पैर में लगी है। यह जो है रंगदारी के लेकर के हुआ है। बार बार मारवा में अपराध किया जा रहा है, गुंडागर्दी किया जा रहा है और गोली मारा जा रहा है। हम कह रहे हैं कि मारवा प्रशासन सोई है क्या? क्यों नहीं अपराधी को गिरफ्तार करी है? जानबूझ करके अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और सारी जो है शक्ति जो है शराब पर लगाई जा रही है। शराब व्यवसायियों को, शराब लोगों को जिसको नहीं पकड़ना चाहिए उसको पकड़ा जा रहा है और अपराधियों पर लगा रहे हैं। मेरे व्यवसायियों की तरफ से एक दुकानें बंद करके मांग किया गया है, जो है प्रशासन एक बार भी नहीं आई है पूछने के लिए कि आप अपराध आप व्यवसायियों का क्या काम है या क्या काम मांग है आप लोग का। मैं कहना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से और जिला प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि क्या यही व्यवसायियों के ऊपर यही न्याय हो रहा है? हम कह रहे हैं व्यवसायियों के ऊपर गोली चला के रंगदारी के लिए गोली चलाया जा रहा है और एक तरफ जो है एक बार भी प्रशासन पूछने के लिए नहीं आया है कि क्या हुआ है। इसलिए मारे के सारे व्यवसायियों को जो है अपनी दुकान बंद करके और इस अपराध के खिलाफ जो है आज अपनी दुकानें बंद की है।